हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अतुल्य टॉक में। तो आज है 21 अक्टूबर 2024। यहाँ पे इन लोगों से ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इस कारण से इन्होंने 2023 लिखा है। तो आज आ गई है एमपी प्लस फिजिकल की पूरी पीडीएफ, जो भी कैंडिडेट हैं सभी का पूरा डेटा आ चुका है मेरे पास और अभी मैं इसे रिवील करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इस पीडीएफ का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आज कितने स्टूडेंट आए थे, कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने स्टूडेंट एबसेंट थे और 70 प्लस कितने हैं और 80 प्लस कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर बात की जाए प्रेजेंटेशन की, तो आज 154 स्टूडेंट आज प्रेजेंट थे, जिसमें से टोटल अगर देखे जाए बॉयज़ तो बॉयज़ थे 133 और इसके बाद जो 21 जो थी वो गर्ल्स थी। अब बात करते हैं जिनका 70 प्लस स्कोर हुआ है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की पीडीएफ है ये, और मैं आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग बताऊंगा कि कितने 70 प्लस स्टूडेंट कितने हैं गर्ल्स में और बॉयज़ में। तो अगर बॉयज़ की बात की जाए 70 प्लस स्टूडेंट में, तो ये हैं 19 बॉयज़ हैं जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है। और वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए तो 3 गर्ल्स हैं जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है। यहीं अगर 80 प्लस या 80 स्कोर की बात की जाए तो 4 बॉयज़ हैं इसमें, 4 बॉयज़ ने 80 प्लस स्कोर किया है और 2 गर्ल्स हैं जिन्होंने 80 या 80 प्लस स्कोर किया है। तो चलिए हम लोग आज स्कोर देखेंगे कितना हाईएस्ट रहा है गर्ल्स का या बॉयज़ का। लेकिन उससे पहले मैं आपको पीडीएफ का मेजरमेंट बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है एप्लीकेशन नंबर, ये कैंडिडेट नेम, ये जेंडर, ये कैंडिडेट जीडी का है या रेडियो का है, ये होमगार्ड है या एक्स सर्विसमैन है। एक मिनट में आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं एक्स सर्विसमैन और जो होमगार्ड का टाइमिंग देख करके या स्कोर देख करके कि झूठी पीडीएफ है, कुछ भी बना रहे हो। नॉर्मल कैंडिडेट का मेजरमेंट अलग है और होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन का फिजिकल मेजरमेंट अलग है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि होमगार्ड है या फिर नॉर्मल कैंडिडेट है, उसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए होमगार्ड और एक सर्विसमैन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर होमगार्ड या एक सर्विसमैन होगा तो उसके आगे बाय लिखा होगा, बाय मीन्स होता है यस, ये होमगार्ड है या एक सर्विसमैन है। और जो नॉर्मल कैंडिडेट होगा उसके आगे लिखा होगा नो, बोले तो इसका सिंबल इन्होंने एन रख के रखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इवेंट डेट है जो कि 21/10/2024 का है, ये बैच नंबर है, ये बीआईबी नंबर चेस्ट नंबर होता है, ये 800 मीटर स्टार्ट टाइम है, ये 800 मीटर का एंड टाइम है, ये 800 मीटर नेट टाइम है, आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, ये ग्राउंड के 2 लेप दिए हुए हैं, 800 मीटर के लेप दिए हुए हैं कि कितने लेप आपने कंप्लीट किए हुए हैं, ये 800 मीटर जीडी की मार्किंग दी हुई है, ये 800 मीटर जो रेडियो वाले हैं उनकी मार्किंग यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये लॉन्ग जंप के 3 इवेंट दे दिए हैं इन्होंने और लास्ट में लॉन्ग जंप का मार्किंग दे दी है, ये शॉर्ट पुट का दिया हुआ है, शॉर्ट पुट के 3 इवेंट दे दिए और लास्ट में शॉर्ट पुट का जो भी स्कोर है वो दे दिया है। ये टोटल जीडी का मार्क्स दिए हैं, ये टोटल रेडियो के मार्क्स दिए हैं, ये जीडी वाला फेल कैंडिडेट है या पास कैंडिडेट, ये रेडियो वाला पास कैंडिडेट है या फेल कैंडिडेट। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल मार्क्स के। तो ये टोटल मार्क्स जीडी का दिया हुआ है, तो ये पहला कैंडिडेट है इसका स्कोर हुआ है 32, ये सेकंड कैंडिडेट है इसका हुआ 50। तो ऐसे ही हम लोग आगे देखते जाएंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो आज का एवरेज स्कोर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट है, उसका है 53, 38, 30, 49, 51, 64, 56, 51, 58, 35, 54, 46। नेक्स्ट पीडीएफ स्टार्ट हो जाता है, इसमें देखते हैं 76, 57, 33, 54, 57, 52, 47, 64, 63, 63, 68, 69, 74, 42, 67, 71, 65, 59, 70, 76, 75, 51, 36, 41, 73, 59, 73, 52, 50, 61, 64, 61, 73, 78, 74, 55, 76, 37, 41, 59, 58, 53, 75, 57, 79, 80। तो अभी चलिए एक स्टूडेंट आया है, 80 नंबर है इसके। तो चलिए इनको देखते हैं कि ये गर्ल्स हैं या बॉयज़ है, एक सर्विसमैन है या होमगार्ड है। तो चलिए देखते हैं, ये हैं जयेश सिवारे और नॉर्मल कैंडिडेट हैं, मतलब ये एक सर्विसमैन और होमगार्ड नहीं है।
इनका बैच कोड 105 था। इन्होंने 142.3 सेकेंड में रनिंग कंप्लीट की है जिसमें इनको 30 नंबर मिले हैं। इन्होंने लॉन्ग जंप का पहला अटैम्प्ट फॉल कर दिया और इन्होंने लॉन्ग जंप में 29 नंबर लिए हैं और शॉर्ट पुट में लिए हैं इन्होंने 21 नंबर और टोटल स्कोर बनता है इनका 80 का। तो सबसे अच्छा अभी तक का स्कोर ये है 80। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इससे भी हाईएस्ट स्कोर है या नहीं। फिर है 74, 70, 55, 57, 61, 50, 59, 55। नेक्स्ट पीडीएफ स्टार्ट होता है इसमें देखते हैं 64, 40, 63, 53, 37, 83। तो अभी देखिए एक और स्टूडेंट आया है जिसका स्कोर है 83। तो चलिए इसका फिर से देखते हैं ये गर्ल्स है या बॉयस है। तो इनका नाम है अरुण गौतम जो कि मेरे साथ रनिंग करते हैं और इन्होंने इनका जो बेच कोड था 106 का था। अभी इनका देखते हैं कि इन्होंने रनिंग टाइमिंग क्या मारी है। तो 141 सेकंड में इन्होंने 141.4 सेकंड में इन्होंने रनिंग मारी है, 30 नंबर इनको मिले हैं। अगर वहीं बात की जाए लॉन्ग जंप की तो इन्होंने देखिए 25 नंबर इसमें लिए हैं और वहीं बात की जाए अगर शॉर्ट पुट की तो इन्होंने 28 नंबर लिए हैं इसमें और टोटल स्कोर बनता है इनका 83 का। तो अभी तक का स्कोर इनका हाईएस्ट है और ये अभी तक के टॉपर हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला स्टूडेंट है 54 स्कोर है, 60 है, फिर 78, 62, फिर एक स्टूडेंट फिर आता है 80 नंबर का। तो चलिए इसका और रिवील करते हैं और इसका देखते हैं कि ये गर्ल्स है या बॉयस है, होम गार्ड है या एक सर्विस मैन है। तो ये देखिए 80 नंबर स्कोर किया हुआ है इन्होंने। इनका नाम है कविता यादव और गर्ल्स हैं ये। इनका बेच कोड है 107 और इनका अगर रनिंग टाइमिंग देखी जाए तो 186.2 सेकंड में इन्होंने रनिंग कंप्लीट की है और 35 इनका स्कोर हुआ है। अगर वहीं लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 21 इनका स्कोर हुआ है लॉन्ग जंप में। वहीं अगर शॉर्ट पुट की बात की जाए तो 24 स्कोर हुआ है इनका शॉर्ट पुट में। अगर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 80 स्कोर हुआ है और अभी तक की गर्ल्स में ये टॉपर हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर स्टूडेंट का स्कोर है 47, 48, 74, 58, 68, 40, 65, फिर आता है 76, 76, 73। फिर अगला स्टूडेंट आता है जिसका बहुत अच्छा स्कोर है, 84 स्कोर है इसका। तो चलिए इनको देख लेते हैं ये गर्ल्स हैं या बॉयस हैं। तो ये बॉयस कैंडिडेट हैं, इनका नाम है कन्हैया लाल और इन्होंने टाइमिंग जो 800 मीटर रनिंग टाइमिंग है वो 141.7 सेकंड में कंप्लीट की है। इनको मिलते हैं 30 नंबर और वहीं अगर इनकी लॉन्ग जंप की बात की जाए तो बहुत अच्छी लॉन्ग जंप थी इनकी, तो लॉन्ग जंप में इनको मिले 28 नंबर। वहीं अगर शॉर्ट पुट की बात की जाए तो इनमें इसको मिले 26 नंबर और ऐसे करके इनका स्कोर हो जाता है 84। तो अभी तक के बॉयज़ में टॉपर यही हैं, 84 इनने स्कोर किया है जो कि अभी तक का बहुत अच्छा स्कोर है और बॉयस में बेस्ट स्कोर है, अभी तक के टॉपर यही हैं। अब नेक्स्ट कैंडिडेट है, उनका स्कोर है 39। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्होंने 39 स्कोर जीडी में किया है और 25 इनका स्कोर रेडियो में हुआ है और दोनों में ये पास हैं। आप लोगों के लिए बता दूं कि रेडियो में सिर्फ रनिंग आपको क्वालिफाई करना है, उनका मेजरमेंट अलग है, इसमें शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला स्टूडेंट है जिसने स्कोर किया है 61, 40, 65, 42, 67, 60, 52, 48, 74, 51, फिर एक स्टूडेंट आ जाता है इनका स्कोर है 82। तो चलिए इनको देखते हैं ये गर्ल्स हैं या बॉयस हैं। तो इनका नाम है तूफान सिंह दांगी और इन्होंने स्कोर किया 82 का, रनिंग मारी है 148 सेकेंड में के 27 नंबर मिले हैं रनिंग के और 25 मिले हैं लॉन्ग जंप में और शॉर्ट पुट में मिले हैं 30 नंबर। मतलब इन्होंने जो शॉर्ट पुट थ्रो किया है उसमें इन्हें पूरे नंबर मिले हैं। अगर सभी का ऐड किया जाए तो इनका स्कोर हो जाता है 82। तो चलिए अब अगले स्टूडेंट देखते हैं और किस किस ने कितना स्कोर किया है। फिर अगला स्टूडेंट है जिसने स्कोर किया है 68, 62। फिर नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं 53, 44, 48, 54, 60, 60, 52, 85। अब एक और स्टूडेंट आते हैं इनका स्कोर है 85। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो ये एक बॉयस कैंडिडेट हैं और इनका नाम है दिलीप सिंह। अभी देखते हैं इनका रनिंग टाइमिंग, तो 137.7 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया है जिसके इनको मिलते हैं 32 नंबर। अगर वहीं लॉन्ग जंप की बात की जाए तो इनमें लॉन्ग जंप में इनको मिलते हैं 26 नंबर, अगर शॉर्ट पुट की बात की जाए तो इनको मिलते हैं 27 नंबर। इन सबको ऐड करके इनका होता है 85 स्कोर
तो चलिए अगले स्टूडेंट देखते हैं 68, 55, 52, 42, 57, 71, 45, 73, 59, 38, 56, 34, 66, 70, 62, 63, 53, 77, 47, 64, 37, 47। अब एक स्टूडेंट और आ जाते हैं, इन्होंने स्कोर किया 80, तो चलिए इनको और देख लेते हैं। तो इनका नाम है शिवानी गुर्जर और इन्होंने स्कोर किया है 80 का। इन्होंने रनिंग टाइमिंग किया है 186.2 सेकंड में और इनको इसके नंबर 35 मिलते हैं। और वहीं बात की जाए लॉन्ग जंप में तो इन्होंने 20 स्कोर किया है, और अगर वहीं बात की जाए शॉर्ट पुट में तो इन्होंने स्कोर किया है 25। इन सभी को ऐड करके इनका टोटल स्कोर हो जाता है 80 नंबर का, तो बहुत अच्छा स्कोर है इनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला है 54 स्कोर, 44, 61, 60, 49, 45, 70, 65, 30, 65, 30, 46, 45, 60, 54, 49, 54, 36, 38। अभी ये कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट थे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अभी फेल कैंडिडेट को देखते हैं कि कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो ये लिखा हुआ है फेल कैंडिडेट लिस्ट वन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फेल कैंडिडेट रिपोर्ट 21/10/2023, जो कि मैं पहले भी बताया था कि टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2024 है। तो अब देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं आज। अगर डेली की बात की जाए तो 10 से 12 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, ये डेली का देखने को मिल रहा है। आज थोड़े कम है, 8 स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर वहीं बात की जाए आज का एवरेज स्कोर का, तो वो आज थोड़ा सा बढ़ गया है, 65 से 68 के समथिंग पहुंचा है आज का एवरेज स्कोर। आज बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जो कि बहुत सही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।